हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को 255 किलोवोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट कर दें, ठीक है, 255 किलोवोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट कर दें, तो उसके मास में परसेंटेज चेंज कितना होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसमें परसेंटेज चेंज कितना होगा। बच्चों, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पर जिसे हम मास बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है आखिर, ठीक है। तो इसे समझने के लिए आप ऐसा समझो बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन है और वो ये है, एनर्जी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। ये बात तो हम जानते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, जरा वो देखो। ये बच्चों हमें बता रहा है कि अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी आप इंक्रीज करते हो तो उसका मास इंक्रीज होगा। भाई यहां पर क्या मतलब है इसका, कि एनर्जी ई के इक्विवेलेंट कितना मास है या फिर मास एम के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी है, आप इसको कैसे भी समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें पता है कि जो मास है वो एक तरीके से क्या है, एनर्जी का कंडेंस फॉर्म है। यानी कि एनर्जी को कंडेंस कर दें तो हम बोलते हैं कि मास आ गया। यानी कि मास और एनर्जी अलग अलग नहीं है, जो मास है वो एनर्जी का ही एक फॉर्म है, ठीक है। यही तो ये फॉर्मूला बता रहा है कि मास एम को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करो या एनर्जी ई को मास में कन्वर्ट करो तो कितना मास या कितनी एनर्जी मिलेगी, वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बच्चों क्लियर कट हमें बता रहा है कि यहां पर ये जो एनर्जी है, ठीक है, अब देखो ये एनर्जी बच्चों यहां पर मास के प्रोपोर्शनल है ना, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी कि अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज हो जाए तो हम बोलेंगे उसका मास भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो एनर्जी इंक्रीज होगी तो मास भी इंक्रीज होगा। अब जरा यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात करें, जरा समझना, ये इलेक्ट्रॉन इनिशियली अगर हम इनिशियल कंडीशन देखें तो इनिशियली ये इलेक्ट्रॉन बच्चों रेस्ट में था, ठीक है, और बाद में हमने यहां पर क्या किया, बाद में हमने इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों एक्सेलरेट कर दिया, बाद में हमने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा दिया एक पोटेंशियल डिफरेंस में। अब जरा समझो इन दोनों में क्या है, ठीक है। तो बच्चों ये जो फाइनल कंडीशन अपने पास है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट करा दिया। अब इससे हुआ क्या वो समझो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इनिशियली जब रेस्ट में था तब अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें, ठीक है, तब हम इसकी एनर्जी की बात करें तो बच्चों इसके पास केवल और केवल रेस्ट मास एनर्जी रही होगी। भाई कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट में तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी है। लेकिन बच्चों इस इलेक्ट्रॉन को जो हमने एक्सेलरेट करा दिया तब इसके पास रेस्ट मास एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। भाई जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट कराते हो तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, इनिशियली केवल क्या थी, रेस्ट मास एनर्जी, और फाइनली अगर हम देखें तो एक्सेलरेट होने के बाद रेस्ट मास एनर्जी के साथ साथ उसके पास अब काइनेटिक एनर्जी भी आ चुकी है। मतलब कि बच्चों देखा जाए तो ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज कर गई, और हम जानते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से कि अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही तो मास भी इंक्रीज होगा। यही आपसे पूछा गया है कि मास में परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो बच्चों एक बात यहां पर समझो, अगर एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा ई बाई ई इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम, लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं कि जितना एनर्जी में परसेंटेज चेंज होगा या फ्रैक्शनल चेंज होगा उतना ही मास में परसेंटेज चेंज होगा या फ्रैक्शनल चेंज होगा, ठीक है। ये तो फ्रैक्शनल चेंज है, इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज चेंज आ गया। तो बच्चों अगर आपको मास में परसेंटेज चेंज फाइंड करना है तो आप एक काम करो, एनर्जी में परसेंटेज चेंज फाइंड कर लो, उतना ही मास में परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, तो बच्चों यहां पर जरा समझना, अगर हम इनिशियल एनर्जी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, रेस्ट मास एनर्जी, और रेस्ट मास एनर्जी बच्चों कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, 0.51 MeV, यही तो होती है। भाई इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, 0.51 MeV, तो वो हमने लिख दिया। अच्छा फाइनल एनर्जी की बच्चों अगर हम बात करें तो फाइनल एनर्जी में देखो क्या होगा, 0.51 MeV तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी है और कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई। देखो कितनी आ गई काइनेटिक एनर्जी बच्चों, आप यहां पर 255 किलो वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा रहे हो। आपको पता है कि अगर हम वी वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट कराएं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने से इंक्रीज हो जाएगी,
वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई 255 किलो वोल्ट है ना, तो बस यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितना इंक्रीज हो जाएगी, 255 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। आप चाहो तो इसको एमईवी में कन्वर्ट कर लो। बच्चों देखो किलो का मतलब क्या होता है, 10^3 होता है, यानी कि ये लिखा हुआ 255 × 10^3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको एमईवी में कन्वर्ट करने के लिए आप 10^6 से डिवाइड कर दो। तो बच्चों यहां पर देखो फाइनल एनर्जी क्या होगी, 0.51 एमईवी तो ये हो गया, और 10^6 से डिवाइड करोगे तो 0.255 एमईवी ये हो गया। ठीक है, अब जरा एक बात समझना बच्चों, यहां पर हमसे पूछा है मास में परसेंटेज चेंज, वो उतना ही होगा जितना एनर्जी में परसेंटेज चेंज होगा। तो बच्चों यहां पर देखो परसेंटेज चेंज इन एनर्जी, तो बच्चों एनर्जी में परसेंटेज चेंज कितना होगा, भाई चेंज जितना है वो देख लो, डिवाइडेड बाय इनिशियल देख लो कितना था, इनटू 100 कर दो, यही तो मतलब है ना। बच्चों एनर्जी में चेंज कितना हुआ, देखो 0.51 तो पहले से ही थी, यही तो चेंज होगा भाई, जितना एक्स्ट्रा आ गया वही तो चेंज है, वही तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो बच्चों यहां पर देखो चेंज कितना हुआ, चेंज हो गया 0.255, ठीक है, एमईवी का, और इनिशियल कितना था 0.51 एमईवी, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। अब देखो बच्चों एमईवी से एमईवी कैंसिल हो गया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है बच्चों 50% आ जाएगा, यानी कि अगर आप देखो तो परसेंटेज चेंज इन एनर्जी या फिर परसेंटेज चेंज इन मास कितना आ जाएगा बच्चों, 50%। तो हम कहेंगे 50% से मास इंक्रीज हो गया, या फिर 50% से ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।